सांपों को यूं तो एक खतरनाक जीव माना जाता है जिससे काफ़ी लोग डरते भी हैं, और भगवान शिव को अक्सर एक सांप के साथ दिखाया जाता है जो कि उनके गले में 3 कुंडलियों के साथ मौजूद रहता है। सांप की ये 3 कुंडलियाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती हैं, जिसका मतलब है कि भगवान शिव वक्त की कैद से आज़ाद हैं और समय पर नियंत्रण भी उनका ही है। भगवान शिव के गले का नाग कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बताता है। कुंडलिनी शक्ति हर इंसान के अंदर मौजूद एक दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है जो कि पीठ के नीचे मूलधारा चक्र में होती है, जो कि हर इंसान की आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ ऊपर उठती है। शिव के गले में सांप के होने का मतलब है कि उनमें ना ही सिर्फ कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है, बल्कि वो दिव्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन शिव जी के गले में सांप आया कहाँ से? वैसे तो इसके पीछे कई कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन के वक्त अमृत के बाहर आने से पहले कई चीज़ें समुद्र से बाहर आई, उनमें से एक था हलाहल, एक जानलेवा जहर जिसने देवताओं और राक्षसों को भी डरा दिया था, क्योंकि ये जहर इतना शक्तिशाली था कि ये पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। इससे बचने के लिए सबने शिवजी की मदद मांगी। पूरी सृष्टि को इस जहर से बचाने के लिए भगवान शिव ने ये जहर पी लिया और उनकी पत्नी पार्वती जी ने उनका गला पकड़ लिया ताकि वो जहर को निगल ना लें, जिससे शिवजी का गला नीला पड़ गया और इस वजह से शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। अब क्योंकि पार्वती जी हमेशा के लिए शिवजी का गला नहीं पकड़ सकती थी, तो उन्होंने शिवजी के गले में एक सांप बांध दिया ताकि वो जहर ना निकल जाए। उस सांप का नाम था वासुकी नाग। अब ये तो सिर्फ एक कहानी थी, ऐसी कई कहानियां और भी हैं, लेकिन इन सब कहानियों में सीखने के लिए एक चीज है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है, चाहे वो डर किसी जानवर का हो, आने वाले एग्जाम्स का हो या अपने काम को लेकर हो। इसीलिए शिवजी के गले में सांप होने का मतलब है अपने डर पर काबू पाना, जिससे तुम में हिम्मत आए और तुम्हारा डर तुमसे डरे। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आए या तुम किसी उलझन में फंसे हो, तो सबसे पहले खुद को शांत रखो ताकि उस मुश्किल को सही तरीके से सुलझा पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़